हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग गुरु में। आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे जो वैकेंसी आई थी पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था तो सभी कैंडिडेट एक बार अपना लिस्ट में नेम चेक कर लें। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट एक बार अपना लिस्ट में नेम चेक कर लें कि आप एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में एलिजिबल है या नहीं है एग्ज़ाम के लिए। उसके आपके जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उस पर आपको लिंक दिया मिलेगा एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट का, जो आपकी कलर्क की पोस्ट आई थी, तो उसमें आपको अपने नेम से ही आप चेक कर सकते हैं। और आपका जो सीरियल वाइज होगा वही आपका रोल नंबर रहेगा। इसके लिए आपके पास कोई भी लेटर नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा, ना कोई आपका एडमिट कार्ड आएगा। डायरेक्ट आपको अपना लिस्ट में नेम चेक करना है, उसी के बेस पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आपके दो सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश और आपकी जीके का। और उस जो आपका शेड्यूल रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बुद्धा डाल पब्लिक स्कूल है टीका लोअर मॉल रोड पे पटियाला में, 6 अक्टूबर को आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका जो रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगी 11 बजे की रहेगी, एग्ज़ाम आपका 1 बजे स्टार्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, जो भी कैंडिडेट है 8 अक्टूबर के होगा, तो सभी कैंडिडेट एक बार अपना लिस्ट में नेम चेक कर लें। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं, जैसे आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट नोट अटेस्टेड, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट थे आपने अप्लाई किया है, तो वो आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वो सभी आपको साथ में लेके जाने, और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। सभी कैंडिडेट एक बार अपना लिस्ट में चेक कर लें, ठीक है। और जो आपका जैसे जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, अभी भी आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो आपके जैसे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में आपके जैसे कुछ सब्जेक्टिव होगा, कुछ आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ऑफिशियल स्टडी ऑफिशियल के नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कोर्ट के नेम से, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। जो भी आपका चाहे हरियाणा में वैकेंसी आओ या फिर आपकी पंजाब में वैकेंसी आओ, दोनों में आपका जो है सिलेबस आपका सेम रहेगा कलर का। तो वहाँ से आप अपना सिलेबस है जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट आपका रहेगा, टाइमिंग रहेगा रिपोर्टिंग का 10 AM का रहेगा, 6 अक्टूबर को। तो आप अपना एग्ज़ाम हॉल में 6 अक्टूबर को चले जाना, और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कैंडिडेट है एटलीस्ट 1 आपकी ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी फ़ोटो होनी चाहिए आपकी आधार कार्ड की, ठीक है। कोई भी आपके पास ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी होना चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो, वोट कार्ड हो, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो। तो सभी कैंडिडेट को, अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको एग्जामिन हॉल में एंट्री नहीं कर दी जाएगी। उसके बाद आपके पास ओनली जो ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है और आपके पास बाल पेन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई भी कॉल लेटर नहीं आएगा, कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं होने चाहिए आपके पास, तो आपको एग्ज़ाम में जाना। एग्ज़ाम का टाइमिंग आपका 11 से 1 बजे तक का रहेगा। तो सभी कैंडिडेट अपने सेंटर का जो नेम है सभी का आपका सेम रहेगा। एक बार आपको जैसे ये है, ठीक है, उसके बाद आपका जो लिस्ट आएगी जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट रहेगा उसकी जो डेट रहेगी, टाइमिंग रहेगी, उसका वेन्यू आपका अलग से आएगा, ठीक है। उसका जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया दिया जाएगा, वहाँ से आप सभी कैंडिडेट चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।